हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं उड़ारिया की एक्सक्लूसिव अपडेट। जी हां, जहां मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरह से स्टोरी लाइन को आगे लेके जाया जाएगा, किस तरह से फतेह एक तरह से जैस्मिन को छोड़ वो तेजो के साथ शादी करेंगे। पर वेल, चलिए बताती हूँ अब स्टोरी लाइन को और किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि मेकर्स के ऊपर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रेशर भी है कि भैया शो को थोड़ा लंबा लेकर जाना है। और ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है ये तो टीआरपी लिस्ट के पॉइंट्स के हिसाब से हमें पता चली जाता है। वेल, चलिए बता देती हूँ कि जहां पर जैस्मिन ने शादी के लिए साफ तौर पे इनकार कर दिया है, उन्होंने ये बात फतेह के सामने कर दिया है कि वो कहीं कनाडा नहीं जा रहे, उन्होंने ये बात उन्हें नहीं बताई है और वो अपने सपने को टूटते हुए इस तरह से नहीं देख सकती है, इसलिए वो फतेह से शादी नहीं कर सकती है। फतेह उनके सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, अपने प्यार के लिए विनती मांगते हुए नजर आते हैं, पर इसमें जैस्मिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उनके सामने ये बात कहती भी है कि उन्हें जिससे भी शादी करनी है वो कर सकते हैं, वो उन्हें रोकेंगी नहीं। बस इसी बीच में फतेह आते हैं, वो तेजो का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें मंडप तक लेकर जाएंगे और वहीं पे वो तेजो के साथ शादी कर लेंगे। अब तेजो इतना ज्यादा शॉक्ड होंगी कि उन्हें ये बात नहीं समझ में आएगा कि भैया उनकी शादी भी हो रही है और वो फतेह के साथ शादी कर लेंगी। वेल, अब शादी के ट्रैक को बहुत ही इंटरेस्टिंग और ड्रामे के साथ आप लोगों को पूरी तरह से देखने के लिए मिलेगा, कहीं आपको मसाले की कमी होते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टेलीविजन की शादियां इतने आसानी से हो जाएं ये कैसे हो सकता है। तो इसमें मेलोड्रामा तो भर भर के आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा शादी के बाद आपको क्या कुछ नया देखने के लिए उड़ारिया में मिलेगा, चलिए इसके बारे में बात करती हूँ। जहां पर फतेह और तेजो एक तरह से शौक रहेंगे कि फतेह ने जो चीज किया है उसके लिए वो माफी मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें गुस्से में की है। तेजो को ये कुछ समझ में नहीं आएगा कि जो चीजें हुई हैं वो कितनी ज्यादा गलत है। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। वहीं जब जैस्मिन का गुस्सा कम होगा तब जैस्मिन को इस बात का एहसास होगा कि भैया उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। बस उसी गलती के बीच में, मतलब जिस तरह से गलती फतेह ने तेजो के साथ शादी करके किया, तेजो ने उस शादी को रोक नहीं पाई, उनकी वो गलती थी। वहीं जैस्मिन की अगर बात करें तो जैस्मिन की ये गलती थी कि भैया उन्होंने फतेह को बस कनाडा की बात सुनते हुए उन्होंने छोड़ दिया। तो तीनों अपनी गलतियों को सुधारते हुए शो के अंदर अब पूरी तरह से नजर आने वाले हैं। पर शो इतनी आसानी से, मतलब इतने अच्छी अच्छी तो नहीं चलने वाली है, बल्कि अब विलन के रूप में नजर आने वाली है बहुत जल्द। अब आपको जैस्मिन का शेड पूरी तरह से अब ग्रे होते हुए आप लोग को नजर आने वाला है। अब जैस्मिन वो जैस्मिन नहीं रहेंगी जो स्वीट सी चुलबुली हर जगह घूमती फिरती और अपने बात बिंदास करते हुए नजर आएंगी। अब उनका कैनेडा जाने का बल्कि एक टारगेट नहीं होगा, बल्कि फतेह को पाना उनकी सबसे बड़ी एक तरह से चैलेंज वो बन जाएगा कि वो किस तरह से तेजो से अलग करके वो फतेह को पा जाए। वेल, चलिए बताइए मुझे आप कमेंट करके कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस ट्रैक को देखने के लिए, क्योंकि अपनी हर गलती सुधारते हुए तीनों नजर आएंगे, पर कुछ बहुत प्यार से उसे सुलझाते हुए नजर आएंगे, वहीं कुछ एक अलग ही शेड को निभाते हुए नजर आएंगे। कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि आप कितने ज्यादा खुश हैं तेजो और फतेह की शादी को लेकर, या कितने ज्यादा दुखी हैं तेजो एक तरह से फतेह और जैस्मिन एक दूसरे से अलग हो गए हैं। चलिए कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।